उत्तर प्रदेश के बहराइच से खबर सामने आ रही है जो वैक्सीन से संबंधित है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं गामा टाइम्स। आपको बता दें, बहराइच में आज जिला अधिकारी शंभू कुमार ने महिला अस्पताल का फीता काट कर किया कोविड-19 वैक्सीन लगाने का शुभारंभ। आइए डालते हैं बहराइच ब्यूरो चीफ शाहिद सईद की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर, उनके सहयोगी मोहम्मद। अरे बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। साहब की इतनी मेहनत से, प्रयास से हम लोग को आगे लाभ मिलेगा और एक भाईचारा भी और मेल मिलाप भी हम लोग को जुड़ेगा, जिसे अभी होली का त्योहार आने वाला है, होली वगैरह बहुत अच्छे तरीके से हम मनाएंगे, ये हमारी शुभकामनाएं है सब। इसको आपने मास्क के बारे में आज कोविड-19 का जो 60 वर्ष से ऊपर के लोग हैं उनको टीका लगाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? और जैसे जो लोगों के बीच भ्रमियाँ फैली हुई हैं कि बुखार आ जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयासों से कोविड वैक्सीन की शुरुआत हुई है। पहले हेल्थ वर्कर को दिया गया, उसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर को दिया गया। आज से जो हमारे 45 वर्ष से ज़्यादा के लोग हैं, जिनको हाइपरटेंशन, डायबिटीज, इस तरह की बीमारियाँ हैं, ऐसे लोगों को प्राथमिकता से हम लोग अब वैक्सीन, कोविड वैक्सीन दे रहे हैं। और जहाँ तक बात है कि तरह तरह की अफवाहों की बात है, मैं बहुत स्पष्ट रूप से लोगों को बताना चाहता हूँ और अपील करना चाहता हूँ कि हम इधर उधर की बातें ना सुने। जो डॉक्टर बता रहे हैं, जो बड़ी बड़ी संस्थाएँ बता रही हैं, उन्होंने स्पष्ट बताया है कि ये वैक्सीन सेफ है, किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट, किसी तरह की कोई परेशानी इसमें नहीं है। हालांकि हम लोग आधे घंटे तक जिसको भी वैक्सीन देते हैं उनको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, उनको किसी तरह की परेशानी होती है तो तत्काल उनको डॉक्टर सहायता देते हैं। हम लोग हर व्यक्ति को पैरासीटामोल की गोली दे रहे हैं, अगर कहीं थोड़ा बहुत फीवर जैसी समस्या आती है वो पैरासीटामोल लेंगे, बड़े आराम से उनको आराम मिल जाएगा। वैक्सीन बहुत कारगर है, इसे लेना हर नागरिक का, जो सरकार की तरफ से प्रयास हो रहा है उसमें हर नागरिक को सहयोग करना चाहिए, विशेषकर जो 45 वर्ष से उम्र के ज़्यादा के लोग हैं, जिनको किसी तरह की कोई बीमारी है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, वो लोग अनिवार्य रूप से हमारे कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पे आएँ और इसका लाभ लें। जिन सब जैसे प्राइवेट से आज सेंटरों पर भी लगाया जा रहा है, तो इसके लिए क्या मानक तय किए गए हैं? सभी जगह एक ही मानक है। हम लोग चूँकि बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन का काम होगा, तो उसमें जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनको भी प्रोटोकॉल के हिसाब से, मानक के हिसाब से उनको वैक्सीनेशन की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उसको जाकर CMO साहब की टीम निरंतर निगरानी करती रहेगी और अच्छी तरीके से हमारा वैक्सीनेशन का काम चलता रहेगा। क्या अलग से कोई चार्ज भी हुआ नहीं है इसके संबंध में? 250 प्राइवेट का जो वैक्सीनेशन है उसमें 250 का चार्ज है, निर्धारित चार्ज है, और उससे ज़्यादा किसी तरह का कोई चार्ज नहीं ले सकते, इसकी निगरानी की।